गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वंशिका नरेंद्र ठाकरे फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। आज मैं आपके सामने एक वन एक्ट प्ले प्रेजेंट करने वाली हूँ जिसका नाम है एग्जाम प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट इट। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857-1858। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857-1857। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857-1857। अरे क्या है ये, हे प्रभु, इस बार तो मेरी नैया पार करा दीजिए, इस बार मुझे पास करा दीजिए। मैं नहीं डरती ना मौत से ना उसके अंजाम से, लेकिन कांपती है मेरी रूह बस इस इम्तिहान से। पता नहीं इस भयानक बुक को किसने ईजाद किया था, किसी परी ने या किसी शैतान की औलाद ने। पहले पढ़ो फिर सोचो, पहले पढ़ो फिर सोचो। अरे क्या है ये, टा 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 टा। रोज रटती हूँ, रात को इसके पन्ने पलटती हूँ प्रभु, लेकिन सुबह देखो तो मैदान मिलता साफ है। रात को पढ़ती हूँ अल्फाबेट और सुबह याद आता है अफलाबेट। कौन सा अभिश्राप है कि मुझे याद ही नहीं आता। मुझे गणित के अतिरिक्त तो और कुछ भाता नहीं, गणित के अतिरिक्त तो मुझे और कुछ भाता नहीं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे गुनाकार भी आता नहीं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे गुनाकार भी आता नहीं। भगवान को पा लेना, भगवान को समर्पित होना सहज है, सरल है, संभव है, लेकिन इतिहास को याद रखना असंभव है। कौन कब लड़ा था, कौन कब लड़ा था, उसके बच्चे कब मरे थे, उसके बच्चे कब लड़े थे। अरे इनके लड़ने लड़ाने में हमें क्यों रुलाते हो। नहीं, लेकिन कुछ तो याद रखना ही था। तीन तीन पानीपत के युद्ध भला कोई कैसे याद रखे, लेकिन याद तो रखना ही था। फिर मैंने भी पिछले साल पहले एक पर्ची पे लिख ही डाला कि पहला पानीपत का युद्ध इस साल, दूसरा पानीपत का युद्ध इस साल, तीसरा पानीपत का युद्ध इस साल। बोले मास्टर जी चीटिंग कर रहे हो, मारे तीन चपाट मुझे गाल पे। लेकिन मैं भी उनको कैसे समझाती कि यह एक संकटग्रस्त छात्र की आपातकालीन दुविधा का हल था। नहीं, लेकिन थी तो चीटिंग ही। पूछा था पानीपत का युद्ध कब, किसके साथ, कैसे हुआ था। फिर मैंने भी लिख ही डाला कि पानीपत का युद्ध जापान और जर्मनी के बीच सावन के महीने में हुआ था। मास्टर जी हुए पागल मेरी पर्ची देख, बोले सारे विद्यार्थियों में यह होनहार है, फेल किया मुझे दूसरी बार। अब आता है जियो, इसे हिस्ट्री का चाचा कह लो, भतीजा कह लो, फूफा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हिस्ट्री से कम नहीं है भाई। पूछते हैं पृथ्वी क्यों गोल है, अभी हमें क्या पता पृथ्वी गोल है। छत पे हम क्या दूरबीन लेके बैठे थे कि पृथ्वी क्यों गोल है, अभी है तो है, तेरा क्या जाता है कालिया। भाई रोटी गोल है, पूरी गोल है, सिक्का गोल है, तो मास्टर जी पृथ्वी भी गोल है। मास्टर जी बोले हाँ बेटा, हमारी पृथ्वी भी गोल है तो थारे नंबर भी गोल हैं, हमारी पृथ्वी भी गोल हैं तो थारे नंबर भी गोल हैं। बाद में मैंने मेरी कॉपी से बोला जाइयो मेरी कॉपी मास्टर जी के पास, जाइयो मेरी कॉपी मास्टर जी के पास, नंबर लाइयो पूरे 50, नंबर लाइयो पूरे 50। लेकिन जवाब आया कि जीरो के ऊपर ना करियो आस। किया मुझे चौथी बार फिर, अभी इस बार पांचवी बार एग्जाम देने जा रही हूँ, अभी तो पास होके ही आऊँगी। अगर पास हुई तो आपको पेड़े खिलाऊंगी, लेकिन फेल हुई तो यही दुख भरी दास्तान आपको फिर से सुनाऊंगी। चलती हूँ, धन्यवाद।